आयुष्मान कार्ड की वंचित अनीता इलाज के लिए मांगे सहयोग। डीडीयू नगर वार्ड नंबर 21 बेजोपुर नई बस्ती निवासी अनीता जायसवाल ने पत्नी जितेंद्र जायसवाल, जिनके दो पुत्र अभिषेक मनीषा उम्र 16-15 वर्ष, तबीयत खराब होने की वजह से लाचार असहाय, दर दर डॉक्टरों का ठोकर खाने के मजबूर हैं। अधिक स्थिति खराब होने के कारण जितेंद्र जायसवाल की पत्नी अनीता जायसवाल फीवर होने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। पहले डॉक्टर के लक्ष्मी शंकर यादव दो दिन तक इलाज के बाद भी आराम नहीं मिला, उसके बाद नेशनल हवाई दो पर चरक हॉस्पिटल व फ्रैक्चर सेंटर गंधन बाईपास में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर है, आप सभी से निवेदन है कि पीड़ित परिवार के आर्थिक सहायता जरूर करें। चंदौली से रविशंकर मिश्रा की खास रिपोर्ट। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम जितेंद्र जायसवाल है। थोड़ा तेज बोलिए। जितेंद्र जायसवाल है। कहाँ के रहने वाले हैं जितेंद्र जी? अभी आप क्या काम करते हैं? दाना लगाते हैं। अभी आपकी क्या समस्या है जितेंद्र जी? मेरी औरत का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। अभी आप कहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं दवा? अभी अस्पताल में भर्ती की है। तो 50,000 रुपये मेरा लगता है। किस हॉस्पिटल में मुगलसरा? डॉक्टर यादव डॉक्टर में। डॉक्टर यादव? हाँ। अभी आप क्या और लोगों से क्या मदद अभी आपको मिला, आर्थिक मदद? अभी कोई मदद नहीं मिला। अपनी औरत का कहना होना सब बेच दिए, सब कर दिए। मेरे दोनों बच्चे मैं कहाँ जाऊँ? ये कितने क्लास में पढ़ते हैं दोनों बच्चे? दोनों क्लास में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे की उम्र कितनी है? 15 साल एक से 16 साल की। तो आपने कभी किसी से आर्थिक मदद का भी सहयोग मांगा? बहुत मांगा, सबसे मदद मांगा, पर कोई मेरा मदद नहीं कर रहा। तो क्या अभी आप किस तरह ट्रीटमेंट का क्या रिप्लाई कुछ मिला अभी आपको? अभी कुछ नहीं मिला, खाली होश आया है बस और कुछ नहीं। तो आप कैसे? अभी आपने कहा कि लास्ट बस के बनी। तो अभी 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 आप कैसे ट्रीटमेंट कराएंगे? कह रहे आपके पास पैसा नहीं है। तो मेरे पास नहीं था, उधर मैं गहना गुनी बेचा हूँ। अपना गहना जो था औरत का कान में का मंगलसूत्र जो था मैं सब बेच दिया। बेच के मैं इस हालत में आ गया। मैं मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपना दवा अपने औरत का करा सकूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों के लिए? नहीं, हमारे पास पैसा रहेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा।